आप सभी के स्वागत है। बात करेंगे एक शानदार और दिग्गज स्टॉक के बारे में जिसने रिटर्न देने में सभी के रिकॉर्ड तोड़ दिए और आउटस्टैंडिंग तरीके से परफॉर्मेंस और वेल्थ क्रिएशन करके दिए इन्वेस्टर को। तो यहाँ पर इस स्टॉक में और भी एक्चुअल दम है क्या उसके बारे में बात करेंगे, और कंपनी हमें भी पैसे कमा के दे सकती है क्या उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी के फंडामेंटल भी देखने चाहिए दोस्तों, और रिटर्न देखेंगे तो आप बिल्कुल चाहेंगे कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना बोलकर। 1 साल में 200% और साथ साथ 5 साल की बात करें 2215% रिटर्न रिटर्न देने में सभी का यहाँ पर बाप निकला दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल आप रिटर्न भी देख सकते हैं, रिटर्न के मामले में कोई कमी नहीं है, बट कंपनी फंडामेंटली भी वो उतनी स्ट्रांग है क्या वो भी देखना जरूरी है। तो इस वजह से मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा इस कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी कौन सा वर्क करती है, कंपनी में कितने एडिशनल पॉइंट है, क्या निगेटिव पॉइंट है, सभी चीज़ें देखेंगे। आप यहाँ पर बिल्कुल देख लेना आपको नजर आएगा, एक दिन से लेकर यहाँ पर 10 साल तक का भी परफॉर्मेंस देखे तो कंपनी ने बिल्कुल कोई चीज़ की कमी नहीं रखी है, रिटर्न के मामले में हो या यहाँ पर हम जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस या फंडामेंटल के बारे में बात करें। तो यहाँ पर हम जैसे कि सेल्स की बात करें या प्रॉफिट की एनुअली बेसिस पर बात कर रहा हूँ, ईयरली बेसिस पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं 15% से कंपनी की सेल्स बढ़ी है, और यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 110% से यहाँ पर कंपनी ईयरली बेसिस पर अपना परफॉर्मेंस बढ़िया तरीके से परफॉर्म करके दिखाने में लग चुकी है। यहाँ पर हम आगे देखेंगे दोस्तों कि कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर कैसा परफॉर्म कर रही है और क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी ने रिटर्न कितना कमा के दिया है। यहाँ पर हम क्वार्टरली बेसिस पर बात करें कंपनी की सेल्स देख लेना 8% से बढ़ी है, और यहाँ पर हम बिल्कुल देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में भी 48% का आपको परफॉर्मेंस दिखा है। यहाँ पर आप सितंबर और यहाँ पर दिसंबर ये Q2 और Q3 का परफॉर्मेंस कंपेयर करें तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि कंपनी पिछले बार से भी इस बार अच्छा ही परफॉर्म करके दिखाई, ईयरली बेसिस पर भी और क्वार्टरली बेसिस पर भी। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। कंपनी इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम करती है दोस्तों, आपको कहूँगा हेवी जो मशीनरी होती है, ग्लासेस जो यहाँ पर अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीनरी होते हैं, उनका यहाँ पर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, ग्लासिंग करना, ये बहुत कुछ अलग अलग वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी। ये सभी जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, मशीन बता रहा हूँ, ये इन्हीं के हैं और यही कंपनी काम करती है। बिल्कुल देख सकते हैं बड़े से बड़े छोटे से छोटे कंपनी में सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये यहाँ पर आप इनके इक्विपमेंट जो मशीनरीज है वो देख चुके होंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको नजर आएगा 3189 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप। वैल्यूएशन देखेंगे तो 70 का नजर आएगा पी रेशो। अब यहाँ पर वैल्यूएशन की बात करें तो आपको कहूँगा हाई वैल्यूएशन पर स्टॉक ट्रेड करते नजर आ रहा है। बिल्कुल इस बात को याद रखना कि देखिए हाई वैल्यूएशन पर स्टॉक होता है तब इसको किस तरीके से खरीदना है उसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें आगे बताऊंगा। अब इसके कर्जे की बात करें मार्केट कैप के हिसाब से यहाँ पर कंपेयर करें तो कंपनी का कर्जा कोई भी उतना ज़्यादा नहीं नजर आता है, और कंपनी में प्रमोटर का जो स्टेक है दोस्तों उस पर से हमें एक पता चलता है कि कंपनी के प्रमोटर इस कंपनी में इंटरेस्टेड नजर आते हैं। 73% के ऊपर का भी स्टेक नजर आता है, तो बोले तो उनको पता है कि हमारे कंपनी में दम है बोलकर। नहीं तो बहुत से आप देखेंगे तो कंपनी में प्रमोटर ही स्टेक बेचकर निकल जाते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें पता होता है कंपनी में दम नहीं, बट इस कंपनी में प्रमोटर का स्टेक अच्छा ही नजर आ रहा है, तो इसमें कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग नजर आते हैं। यहाँ पर इसका अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं 34 का नजर आएगा। अभी चीज़ें तो हमने देख ली, अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्रमोटर के स्टेक के बारे में भी, और यहाँ पर कुछ बड़े इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करके बैठेगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर फ्रेश एंट्री लेने वाले फॉरेन निवेशक की नजर आएंगे, म्यूचुअल फंड नहीं है, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नहीं, DIS नहीं है, और यहाँ पर आपको पब्लिक प्रमोटर और फॉरेन निवेशक ये तीन ही लोग दिखेंगे। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर प्रमोटर ने स्टेक कम किया, दोस्तों आपको कहूँगा सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से 75% के ऊपर का स्टेक हो कंपनी के पास तो कम करना पड़ता है। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर प्रमोटर ने स्टेक कम भी किया तो कितना है, 0.82% का, उतना कुछ ज़्यादा कम नहीं किया है, जैसे कि 5-10% तो कोई रीज़न हो सकता था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कंपनी कुछ इंटरेस्टिंग और जो निगेटिव पॉइंट है उसके बारे में। इस कंपनी को देखिए AASM लिस्ट में भी ऐड कर चुके हैं, बोले तो इसमें तेज़ी जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा और कम तेज़ी होती है। बोलते आप कहूँगा जो स्टॉक अनसर्टेनिटी दिखाता है, कभी भागता है कभी गिरता है, उस वजह से ऐसे स्टॉक पर सेबी की नज़र रहती है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। देखिए मैं तो आपको सभी पॉजिटिव पॉइंट बताकर चला जाता, बट मेरा काम है दोस्तों कि आपको रियलिटी बता दो, रियलिटी पता होनी चाहिए, और इन्वेस्टर ने कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि उसे सभी स्टॉक सभी तरीके से फंडामेंटल मिलेंगे, उनमें कोई ना कोई निगेटिव पॉइंट आपको दिखता ही भी होगा। अब यहाँ पर स्टॉक में देखिए यहाँ पर ASM लिस्ट में तो आ चुका, बाद में से देखेंगे। देखिए इसका जो यहाँ पर प्राइस देखेंगे इंटरेस्टिंग वैल्यू तो ये बहुत महंगी है, फिलहाल एंट्री लेने के लिए बता रहा हूँ। कंपनी में फॉल्ट नहीं है कि कंपनी फालतू या खराब है बोलकर बोलने को, यहाँ पर कंपनी का वैल्यूएशन अभी फिलहाल बहुत हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, डिविडेंड तो नहीं देता है उतना कुछ, रिटर्न के मामले में अच्छा देता है परफॉर्मेंस। यहाँ पर हम इसका जो यहाँ पर परफॉर्मेंस देखेंगे, कंपनी का नाम देख सकते हैं HLE,
ग्लासकोट LTD नाम है और परफॉर्मेंस देखिए स्टॉक का बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पर आप जरूर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त रिटर्न कमा दिया है। तो आई होप आप इस स्टॉक के बारे में ये समझते होंगे कि अभी फिलहाल एंट्री लेनी चाहिए। दोस्तों इस स्टॉक में आपको गिरावट दिख जाए तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, अभी फिलहाल तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है और आप इसके पीछे भी भागना मत, क्योंकि कंपनी आपको एक और बताना चाहूँगा, ये कंपनी है स्मॉल कैप वाली, तो स्मॉल कैप कंपनी में खतरा उतना ज़्यादा रहता है, जितना तेज़ी से भागता है उतने तेज़ी से आपको यहाँ पर गिरावट में भी शेयर दिख जाएगा। तो आप तब खरीदना चाहेंगे तो इसके अंदर इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, जैसे कि JM फेडलर जैसे कंपनी काम करती है उसी तरीके से कंपनी वर्क करती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट के अपडेट और इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। थैंक यू।